हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दसवीं पास वालों के लिए दोस्तों बड़ी जबरदस्त वैकेंसी आउट हुई है, पक्की सरकारी नौकरी दोस्तों वैकेंसी आउट हुई है इंडियन एयरफोर्स के अंतर्गत। बेसिकली दोस्तों मल्टीटास्किंग स्टाफ, हाउसकीपिंग स्टाफ, एलडीसी और स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आउट हो चुकी है। तो बेसिकली आज की वीडियो में बात करेंगे आपको अप्लाई कैसे करना है, सैलरी पैकेज, एज क्राइटेरिया, सारी बातें अपनी वीडियो में कवर अप करेंगे। आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, मेल हो फीमेल हो, सब लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। सारे फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी टेक्निकल फील्ड नहीं मांगी गई है। मात्र दसवीं पास और बारहवीं पास वाले सभी कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम सारी बातें डिस्कस कर लेंगे। तो अपने चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर कर देना। बेसिकली दोस्तों वैकेंसी आउट हो चुकी है इंडियन एयरफोर्स के अंतर्गत। आपको जैसा मैंने बताया मल्टीटास्किंग स्टाफ, स्टोर कीपर, ये सारी वैकेंसी निकली है दोस्तों। एक एक करके सारी वैकेंसी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दसवीं पास के बारे में। अगर आपने टेंथ पास की हुई है और आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप कौन कौन सी पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूं। मल्टीटास्किंग स्टाफ, हाउसकीपिंग स्टाफ और मेस स्टाफ, ये सारी वैकेंसी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों आपको बता दूं, एज की बात करता हूं, कम से कम 18 साल, ज्यादा 25 साल। अगर आपकी एज 18 से 25 के बीच है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एज का रिलैक्सेशन दोस्तों सबको मिलेगा। एससी एसटी कैटेगरी वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा और ओबीसी कैटेगरी वालों को 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं सैलरी की, तो सैलरी मिलेगी दोस्तों 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग लेवल 1 की सैलरी मिलेगी, जो कि 20,000 से 25,000 के बीच ही बनती है। जैसे दोस्तों आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन का रीड आउट करेंगे उसके साथ साथ नीचे लिखा गया है कि डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा वो डिजायरेबल है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मात्र लिखा गया है 10th पास। अगर आपके पास 10th पास है, आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपके पास नहीं है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अपने 12th पास की पोस्ट की। अगर आपने 12th की हुई है तो आप कौन कौन सी पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा एलडीसी और स्टेनोग्राफर की पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के लिए आपको क्या क्या चीजें होनी चाहिए। आपने दोस्तों 12th पास की होनी चाहिए। इसके साथ साथ एज की बात करते हो कम से कम 18 साल, ज्यादा 25 साल। सैलरी की बात करते हो दोस्तों लेवल 2 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी, जो कि 20 से 25,000 के बीच ही बनेगी। इसमें दोस्तों आपकी टाइपिंग स्पीड मांगी गई है, आपकी 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगली पोस्ट की बात करते हो दोस्तों स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की पोस्ट निकली है, इसमें 12th पास मांगा गया है। सैलरी मिलेगी दोस्तों लेवल 4 के अकॉर्डिंग यानी कि आपके 30 से 35,000 लगते ही सैलरी बनेगी। इसमें दोस्तों एज की बात करें तो कम से कम 18 साल, ज्यादा 25 साल आपकी एज होनी चाहिए, और आपकी शॉर्ट हैंड की जो स्पीड होनी चाहिए दोस्तों 80 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपके मन में सवाल आया होगा कि आपकी पोस्टिंग कहां होगी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा एडवर्टाइजमेंट में साफ साफ मेंशन किया गया है कि कौन सी पोस्ट कहां पे अवेलेबल है। तो बेसिकली मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूं, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात के अंतर्गत वैकेंसी आउट हुई है, तो इनके सारे सर्कल में वैकेंसी है। आपको मैं बताना चाहूंगा एडवर्टाइजमेंट एक बार जरूर रीड आउट कर लेना फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए, क्योंकि जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको उसमें मेंशन करना होगा कि आप कौन से सर्कल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आपको अप्लाई कैसे करना है। उसमें दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक दे दूंगा, उसको डायरेक्ट प्रिंट आउट निकालना, उसके साथ अपने सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस के, एड्रेस के, आईडी प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, ये सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्ट करने के बाद आपको सेंड करने हैं इस एड्रेस पे। दोस्तों ध्यान से समझ लेना, सेंड करने के बाद आपको मैं बताना चाहूंगा इसकी जो लास्ट डेट है वो है 15 मार्च 2021। 15 तारीख से पहले आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है। इसके बाद दोस्तों जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपको जो अपना एनवेलप होगा उसके ऊपर मेंशन करना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं कैटेगरी भी लिखनी है आपको दोस्तों इसमें। ये सारी चीजें बड़े ध्यान से समझ लेना, अगर आपने एक भी चीज इसमें मिस करी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसे दोस्तों एडवर्टाइजमेंट जरूर रीड आउट कर लेना फॉर फर्दर क्लेरिफिकेशन के लिए। इसके अलावा आपका कोई और क्वेश्चन है, सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।